हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कुकिंग विद साक्षी गुप्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल से मसाला पास्ता। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर हिट करें, जिससे इसी तरीके के मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देसी स्टाइल मसाला पास्ता आपको जितना देखने में यम लग रहा है, उतना ही स्वाद में यम बनेगा। तो चलिए अपना देसी स्टाइल मसाला पास्ता की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पास्ता बना रहे हैं तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में लिया है पानी। पानी में हम नमक जरूर डालें, जिससे जो पास्ता बॉईल करेंगे तो हल्का हल्का चढ़ जाएगा। वैसे तो हम ग्रेवी बनाएंगे, उसमें भी डालेंगे। हमने नमक तो डाल दिया है पानी में, तो अब हम पानी पे थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। धीरे धीरे उसमें देख सकते हैं आप, बॉईल आ गया है पानी में। इसी स्टेज पर हम अपने पास्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पास्ता लीजिए। ये मैंने एक कटोरी पास्ता लिया है, और पास्ता के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑयल जरूर डालें फ्रेंड्स इसमें। कढ़ाई को हम ढक देंगे अच्छी तरीके से। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे पास्ता कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। एक एक पास्ता बना है, मतलब एक भी पास्ता चिपका नहीं है। अब हम अपनी ग्रेवी को स्टार्ट करते हैं बनाना। एक पैन लेंगे, पैन में हम एक बड़ा चम्मच तेल लेंगे फ्रेंड्स। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तेल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक काट के हमने जो प्याज रखी थी, उसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। प्याज को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, भून लिया है, हल्का हल्का सा इसमें कलर आ गया गुलाबीपन सा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो मैंने बारीक काट के लहसुन रखा था। और ये नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्च को मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है, जिससे थोड़ा देसीपन सा लगे कि हाँ हमारा पास्ता बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया गया है। अब हमारी हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसी टाइम पर इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने बारीक काट के दो टमाटर लिए हैं, अब हम उसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। और टमाटर जाए नमक ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अब हम अपने टमाटर में नमक डालेंगे। मैंने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाला है, और आप ये ना भूलें कि हमने बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए अब हमने थोड़ा सा ही नमक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको पसंद हो तो आप डालें वरना ना डालें। अब ये मैंने ली थी एक टमाटर की प्यूरी। नेक्स्ट मैंने ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। अब हम इस सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियां आपस में एक दूसरे से मिल चुकी हैं। अब हम इसको ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्जी हल्की हल्की बॉयल हो गई है, मतलब हल्का सा कच्चापन भी है, हल्का सा भुन भी गई है। इसी टाइम पर अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि मैंने कहा है जैसे कि देसी स्टाइल में बना रहे तो थोड़ा मसाला भी हमारा तेज रहना चाहिए ना पास्ता का। ये नेक्स्ट मैंने इसमें लिया है काली मिर्ची का पाउडर, जो मैंने थोड़ा सा लिया है। नेक्स्ट मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर। और अब हम सभी मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें पास्ता मसाला भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने कहा कि मैं देसी स्टाइल से बनाना चाह रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटो सॉस। और अब हम इसी टाइम पर इसमें डाल देंगे अपने बॉईल किए हुए पास्ता को, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है फ्रेंड्स। पास्ता अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे हरा धनिया। और धनिया जाएगा भैया, देसी स्टाइल से बना रहे हैं हम अपने पास्ता को, तो धनिया तो हमारा जाएगा। अब हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म तैयार है। गर्मा गर्म पास्ता सर्व कीजिए, आप खाइए, अपने फ्रेंड्स को सर्व कीजिए, आप फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, अपनी मम्मा को खुश कीजिए। कभी आप भी कितना स्वादिष्ट पास्ता बना लेती, मम्मी आपकी ज़रूर खुश होंगी फ्रेंड्स। तो ये हमारा गर्मा गर्म पास्ता देसी स्टाइल से बन के तैयार है। तो आपको ये मेरी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट तो आप करोगे ही करोगे, और सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी कुकिंग विद साक्षी गुप्ता के नाम से, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स। ये हमारा देसी मसाला स्टाइल पास्ता तो बहुत ही ज़्यादा यम बना है, आप टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा यम है। और आपके मैं फीडबैक का इंतजार करूंगी फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।